जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लिए। आखिर किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नरमे कपास गंवार और बाजरे आदि का पंजीकरण शुरू हो गया है। जल्द से जल्द अपनी फसल का पंजीकरण करवा लें। किसान भाइयों याद रहे कि पंजीकरण करवाते समय अपनी फसल, जमीन, खाता संख्या और सामान्य विवरण आदि सही दर्ज करवाएं, क्योंकि किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी स्कीमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पंजीकरण के आधार पर ही स्वीकार की जाती है। हम बताते हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। पहला है अपना परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक कॉपी, तीसरा अगर खेत में ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन है तो उसका बिल, तीसरा फैमिली, पाँचवा फैमिली आईडी में दिया हुआ मोबाइल नंबर, जो मोबाइल में वो जो नंबर दिया हुआ है ओटीपी के लिए वो साथ लेके जाएं, और पिछले पंजीकरण में दिया हुआ मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए ले जाना पड़ेगा। आगे है ज़मीन का विवरण, मुरब्बा नंबर और किला नंबर तथा कौन से किले में कौन सी फसल है का पता होना बहुत आवश्यक है। बने रहे चैनल के साथ। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।